नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको आपके सर्वेक्स को खोलने के लिए, बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए, जिससे कि आपको टाइम पे लेबर पेन आ जाए और आपकी डिलीवरी जल्द से जल्द हो जाए, इसके लिए क्या क्या उपाय करना है। मैं आप लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ें बताऊँगी, कुछ एक्सरसाइज बताऊँगी, कुछ उपाय बताऊँगी, कुछ टिप्स दूँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आप अपने सर्वेक्स को खोलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले एक बात जान लो, जब आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो जाता है तो आपको उस टाइम से ही किसी भी चीज़ को खाना नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि पपीता खा लो, अनानास खा लो या फिर कैस्टर ऑयल पी लो, तो आपको वो एकदम से नहीं करना। वो आपको कब करना है, जब आपकी प्रेगनेंसी का 40वां सप्ताह ख़त्म हो जाता है और आपको लेबर पेन नहीं आता, तब आप ये कर सकती हैं। उससे पहले मत कीजिए, क्योंकि आपका जो ड्यू डेट होता है ना, वो 40वें सप्ताह तक का होता है। अगर 40वें सप्ताह गुजर जाने के बाद भी आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है तो आप इन चीज़ों को खा सकती हैं। बाकी स्टार्टिंग से ही हेल्दी चीज़ें खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओगे तो सब कुछ अपने आप ही टाइम पे होगा। इसके अलावा टाइम पे खाओ, बहुत सारे लोग टाइम पे नहीं खाते हैं तो इस वजह से भी दिक्कत हो जाती है। प्रेगनेंसी के 9 महीने के स्टार्टिंग से ही ना आपको कुछ चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर देना है, जैसे कि ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें, ठंडी दही, ठंडी लस्सी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक या फिर फ्रीज का कुछ भी ठंडा, आपको कुछ भी ठंडा नहीं लेना। इससे आपका जो गर्भाशय है ना वो सिकुड़ जाता है। आपको गर्भाशय को फैलाना है, खोलना है, सिकुड़ना नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना है। पानी भी नॉर्मल पीजिए, गर्मी है तो नॉर्मल पानी पीजिए, ठंड है तो हल्का गुनगुना पानी पीजिए और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें खाने पीने की बातें कर लेते हैं तो देखो, एक आपको चीज़ खानी है वो है केला। केला में पोटेशियम होता है, कई बार पोटेशियम की कमी की वजह से भी लेबर पेन नहीं आ पाता, तो पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए आप केला का सेवन कर सकते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में आपको पोटेशियम मिल जाता है। इसके अलावा केला में और भी फायदे होते हैं, तो रोज़ाना केला खाइए। इसके अलावा जो दूसरा है वो है अनानास। तो आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में अनानास नहीं खाना चाहिए, पपीता नहीं खाना चाहिए, तो अगर आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है तो आप इन दोनों को खा सकते हैं। पपीता भी खा सकते हैं, आप अनानास भी खा सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके गर्भाशय संकुचन को पैदा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो लेबर पेन ना आने पे आप पपीता और अनानास दोनों ही खा सकते हैं, इससे आपको लेबर पेन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो दोनों खा लीजिए। इसके अलावा आप कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल ले सकते हैं। अरंडी का तेल पीने से कई बार महिलाओं को लेबर पेन आया है और कई बार डॉक्टर भी आपको लेबर पेन ना आने पे अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल पीने की सलाह देती है। और आपको रोज़ाना यानी कि एक दिन में 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा कैस्टर ऑयल नहीं लेना है और आप इसको संतरे के रस में डाल के पी सकती हैं, तो इससे आपको लेबर पेन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी मैं आपको सलाह दूंगी कि किसी भी तरीके को अपनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, हो सकता है कि आप पे कोई तरीका सूट ना करे, बाकी आपको और कुछ दिक्कत हो जाए। क्योंकि कुछ महिलाओं को ना कैस्टर ऑयल पीने के बाद उल्टी की या फिर दस्त की समस्या हो गई, पेट में दर्द की समस्या हो गई, तो आपके डॉक्टर आपको अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या आपके साथ हो सकता है, तो आपको उसी हिसाब से तरीके बताएंगे, ठीक है। तो अपने डॉक्टर से पूछ के आप उपाय अपना सकती हैं, लेकिन कैस्टर ऑयल पीने से भी सर्वेक्स खुलता है, लीवर पेन आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मसालेदार भोजन। अगर आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा मसालेदार भोजन खा सकती हैं, इससे भी लेबर पेन आने की संभावना बढ़ जाती है। और हाँ देखो, कई बार ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने से ना महिलाओं को पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, अपच की, गैस बनने की, एसिडिटी की, तो लिमिट में ही खाइएगा। इतना ज़्यादा मत खा लेना कि पेट ही खराब हो जाए, ठीक है। तो लिमिट में आप मसालेदार भोजन खा सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गर्म लड्डू, तिल के लड्डू, अजवाइन के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, यानी कि जो लड्डू गर्म होते हैं आप उनको भी थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, इससे भी लेबर पेन आने की संभावना बढ़ जाती है, टाइम पे आपका सर्वेक्स खुलता है। तो आप प्रेगनेंसी के 9 महीने से ही हल्का फुल्का लड्डू खा सकते हैं, मतलब कि छोटा सा लड्डू खा लीजिए। और लेबर पेन नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी लड्डू खा सकते हैं, 2 से 3 लड्डू भी आप खा सकते हैं, मतलब कि इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे लड्डू आप 2 से 3 खा सकती हैं, तो इससे भी संकुचन आने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि तिल का लड्डू, अजवाइन का लड्डू, ड्राई फ्रूट का लड्डू काफ़ी ज़्यादा गर्म माना जाता है और ये आपके बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को ना रास्पबेरी की पत्तियां होती हैं, उसकी चाय बना के पीने से भी फ़ायदा हुआ है, लीवर पेन आया है, तो आप वो भी कर सकती हैं। और आपको इस समय गर्म पानी पीना है, अगर आपको लीवर पेन नहीं आ रहा है तो आप गर्म पानी पीजिए, हल्का गुनगुना पानी पीजिए, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो
इन चीज़ों को आप इस्तेमाल में ला सकती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप इतना ही कर लो तो इससे ही आपको लीवर पेन आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको ज़रूर करना है वो है एक्सरसाइज करना। यकीन मानिए, अगर आप अपने पूरी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करते आ रही हैं तो इससे आपको टाइम पे लीवर पेन आएगा, टाइम पे सर्वेक्स खुलेगा, टाइम पे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, कम समय में हो जाएगी। तो एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा महत्व है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो अगर आप पहले से ही करती आ रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाई हैं, आप घर के काम कर रही हैं, या फिर अगर आप गांव में रह रहे हैं, गांव में काम कर रहे हो, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा काम होता है, महिलाएं चलती भी बहुत ज़्यादा हैं, जो भी काम करती हैं बैठ के करती हैं, और बैठ के काम करने से पूरा एक्सरसाइज हो जाता है और नीचे की मांसपेशियाँ काफ़ी स्ट्रांग बन जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक्सरसाइज से ही फ़ायदा होता है, अगर आप घर के अपने काम कर रही हैं और सही तरीके से कर रही हैं तो इससे भी फ़ायदा होता है। अब देखो एक्सरसाइज कौन सा होना चाहिए, तो सबसे पहला होना चाहिए पेल्विक वाला एक्सरसाइज। जैसे कि बहुत सारे अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि उगड़ू अवस्था होती है, जिसे कि नॉर्मली आप मान सकते हैं स्क्वेट अवस्था में बैठना, तो आप स्क्वेट अवस्था में बैठ सकती हैं, स्क्वेट वाली एक्सरसाइज कर सकती हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी स्क्वेट अवस्था में बैठती हैं तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब देखिए प्रेगनेंसी के 9 महीने में ना आप नॉर्मल तरीके से स्क्वेट नहीं कर पाएंगी, स्क्वेट अवस्था में नहीं बैठ पाएंगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि किसी चेयर का हेल्प लेना है, किसी चेयर की मदद से या फिर किसी व्यक्ति की हेल्प से आप स्क्वेट वाले एक्सरसाइज कर सकती हैं, यानी कि उगड़ू अवस्था में बैठ सकती हैं। और मैं आपको ये भी कहती हूँ कि उगड़ू अवस्था में बैठ के झाड़ू पोछा लगाओ, जिससे कि आपकी नीचे की मांसपेशियाँ खुलें, मजबूत बने, लचीली बने और आपको टाइम पर लीवर पेन आ जाए। तो स्क्वेट वाली एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो बैठ के झाड़ू पोछा लगाइए। अगर आप पहले से लगा रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगा रही हैं तो एक रूम में लगाओ, उससे ज़्यादा मत लगाओ। अगर आपको झाड़ू पोछा लगाने के बाद दर्द हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो मत लगाइए, क्योंकि कुछ दिक्कत हो जाए इससे अच्छा है कि मत करो, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। अगर आपका बच्चा हेड डाउन पोजिशन में नहीं आया है ना, यानी कि सफेलिक पोजिशन में नहीं आया है, तो सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से बच्चे सफेलिक पोजीशन में भी आ जाते हैं, अपना सिर नीचे कर लेते हैं, डिलीवरी वाले पोजीशन में आ जाते हैं। तो आप सीढ़ियों पर चढ़िए और उतरिए। अगर आप पहले से चढ़ती उतरती आ रही हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है। लेकिन अगर आप पहले नहीं कर रही थी तो इस टाइम अगर आप करना चाहती हैं तो आप 1 से 2 मंजिल तक ही सीढ़ी पर चढ़ें और उतरें, और हो सके तो किसी की हेल्प ले लें, क्योंकि भाई पेट काफ़ी बड़ा हो जाता है, चढ़ने उतरने में गिर गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपने साथ किसी को रखिए जो कि आपकी हेल्प करवा सके सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने में, और बहुत ही ध्यान से ये काम करना है, जल्दबाजी में नहीं करना, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और इससे भी आपका सर्वेक्स बहुत जल्दी खुलता है और नीचे की मांसपेशियाँ काफ़ी स्ट्रांग बनती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपका डब्लू शेप में बैठना। अगर आप डब्लू शेप में बैठती हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलता है, सर्वेक्स आपका टाइम पे खुलता है। इसके अलावा नेक्स्ट है डक वॉक। अगर आप डक वॉक करती हैं, पिक्चर आप देख रहे हैं इस तरीके से डक वॉक किया जाता है, अगर आप डक वॉक करती हैं तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है और आपका सर्वेक्स टाइम पे खुलता है और आपकी नीचे की मांसपेशियाँ स्ट्रांग बनती हैं, लचीली बनती हैं और डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प होती है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बटरफ्लाई एक्सरसाइज, जिसमें कि आपको ना दोनों तलवे को आपस में जोड़ देना होता है और बटरफ्लाई की तरह अपने दोनों पैरों को करना होता है। तो इससे भी क्या होता है कि आपके नीचे की मांसपेशियां काफ़ी स्ट्रांग बनती हैं, लचीली बनती हैं और टाइम पे आपका सर्वेक्स खुलता है। तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, ठीक है। पिक्चर आप देख रहे हैं इस तरीके से बटरफ्लाई एक्सरसाइज किया जाता है, तो आप इसको कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो है डांस। अगर आपको डांस पसंद है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे किस तरीके से करना है हल्का फुल्का डांस कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से नहीं करना, बहुत ही झटके से नहीं करना, आराम आराम से आप डांस भी कर सकती हैं, इससे आपको अच्छा भी महसूस होगा और आपका सर्वेक्स भी खुलेगा। इसके बाद देखिए एक एक्सरसाइज है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो पेल्विक का कोई भी रोल नहीं है, इससे हमारे नीचे की एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपका तनाव कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनता है, आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन मिलता है, तो आपके बच्चे का विकास भी अच्छा रहता है और आपके बच्चे के शरीर में भी ठीक से ब्लड फ्लो होता है, यानी कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज ना आपको डिलीवरी के दौरान काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान ना अगर आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, नाक से ही सांस ले रहे हैं, नाक से ही छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा ऊपर आ जाता है। जैसे कि अगर आप
सांस ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो क्या होगा कि बच्चा ऊपर की तरफ खींचेगा, क्योंकि हमें इसमें बच्चे को नीचे की तरफ धकेलना है ताकि बच्चा बाहर आए। तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए अभी से, अभी से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में रहेगी और आप आराम से डिलीवरी के दौरान सही तरीके से सांस ले पाएंगे। कैसे आपको सांस लेना होता है? नाक से लेना होता है, मुंह से छोड़ना होता है। तो आप देखेंगे ऐसे में आपके पेट पे जोर कम पड़ती है, तो पेट पे कम जोर पड़ेगी तो आपका बच्चा ऊपर नहीं आएगा और डिलीवरी के दर्द को भी इससे कम किया जाता है। यानी कि जब आपको लेबर पेन आ जाता है, आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाती है। तो ये एक्सरसाइज भी ज़रूर कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए और पार्क में जाके कीजिए, बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। तो ये सारी एक्सरसाइज हैं जो कि आप आराम से कर सकती हैं। और भी एक्सरसाइज के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको और अच्छे से बता पाएंगे। और हाँ देखो, इसके अलावा ना आप टहलने का काम कर सकते हैं। सबसे अच्छा एक्सरसाइज है कि आप टहलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टहलो, सुबह शाम 40 मिनट आप टहलो। टहलने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, बच्चा नीचे की तरफ आता है, नीचे की मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं, लचीली बनती हैं, स्ट्रांग बनती हैं और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प होती है। टाइम पे आपका सर्वेक्स भी खुलता है, क्योंकि आप चलेंगे तो प्रेशर पड़ेगा, बच्चे नीचे की तरफ आएगा और धीरे धीरे करके आपका सर्वेक्स भी खुलने लग जाएगा। तो प्रेगनेंसी के 9 महीने में जितना हो सके आप टहलने की कोशिश करो। दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा करके चलते रहना है। यानी कि आप आधा घंटा चल रहे हैं तो थोड़ी देर चल लो, फिर बैठ जाओ, आराम कर लो, पानी पी लो, सुस्ता लो, फिर चलो। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो कि आपको फॉलो करना है। सबसे पहला, अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। प्रेगनेंसी का 9 महीना लग गया है तो अल्ट्रासाउंड करा लो, क्योंकि अगर आपके बच्चे के गले में गर्भनाल है, बुरी तरीके से फंसा हुआ है, तो डॉक्टर डिलीवरी के लिए मना कर देंगे, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देंगे। तो क्या करोगे, क्या फ़ायदा करने से कुछ भी, है ना? तो ये देख लो कि बच्चे गले में गर्भनाल ना फंसा हुआ हो। इसके अलावा ये भी देख लो कि कहीं आपका बच्चा उल्टा तो नहीं है, आपका बच्चा ब्रिज पोजीशन में तो नहीं है, आपका बच्चा आरा या फिर तिरछा तो नहीं है। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। कई बार हो जाती है अगर आपका बच्चा उल्टा है, लेकिन वो डॉक्टर ही बता पाती हैं। इसके अलावा पानी की थैली में पानी की मात्रा कितनी है, ये भी आपको देखना होगा। कम है तो किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, ये भी आपको डॉक्टर बताएंगी। तो अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। इसके अलावा आपको इस समय बिल्कुल भी झटके से उठना बैठना नहीं है, क्योंकि माना जाता है झटके से उठने बैठने से बच्चे गले में गर्भनाल फंसने का खतरा रहता है। तो झटके से उठना बैठना नहीं है, ज़्यादा लंबे देर तक खड़े नहीं रहना, ज़्यादा लंबे देर तक बैठना नहीं है। इसके अलावा आपको ना पीठ के बल कम से कम सोना है, जितना हो सके करवट से लेटिए, खासतौर से लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड सोने से बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन मिलता है, ठीक से रक्त का प्रवाह होता है और बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा रहता है और नॉर्मल डिलीवरी की जो प्रक्रिया है वो भी जल्दी जल्दी होती है। इसलिए प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड सोने की कोशिश आप ज़्यादा करें। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो कि बहुत सा महिलाएं करना भूल जाती हैं, वो है तनाव मुक्त रहना। आपको शारीरिक और मानसिक दोनों ही तनाव से मुक्त रहना है। शारीरिक तनाव है, शारीरिक परेशानी है, तो भी उस चीज़ को दूर करें। मानसिक परेशानी है, मानसिक तनाव है, बहुत ज़्यादा सोचते हो, परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो मानसिक तौर पे, तो भी आपको उसको दूर करना है। कैसे करेंगे? आप अपने घर में बात कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए और उसको दूर कीजिए। अगर आप तनाव लेती रहेंगी तो इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा आपके बच्चे पे पड़ेगा, आप पे पड़ेगा, और टाइम पे ना तो लेबर पेन आएगा, ना सर्वेक्स खुलेगा, ना नॉर्मल डिलीवरी होगी, यहाँ तक कि आपका बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। और ऐसा भी माना जाता है कि बच्चा बड़ा होके ना काफ़ी ज़्यादा दिमागी रूप से कमज़ोर हो सकता है, बच्चे का IQ लेवल कम हो सकता है अगर आप तनाव लेती हैं प्रेगनेंसी में। तो इसलिए तनाव मुक्त रहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो डॉक्टर कोई भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आपको बता देंगे कि भाई ये दिक्कत है, ये परेशानी, ऐसे दूर करना है। तो आपको सब कुछ मालूम रहेगा अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, अपने बच्चे के बारे में। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर के संपर्क में रहिए, जब भी बुलाती हैं तब जाइए, जो भी टेस्ट करवाती हैं उसको करवाइए, और अपने खाने पीने का ध्यान रखें और एक्सरसाइज का ध्यान रखें। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।